नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय स्टडी क्लासेस। आज आपका भाई कुणाल शर्मा लेके आया है रीजनिंग का एक टेस्ट। ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। इस तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में अक्सर आते हैं, चाहे एसएससी का हो, सीजीएल का हो, यूपीएससी हो या एसएससी के किसी भी फॉर्मेट का एग्जाम हो। ये सवाल देखिए, इस तरीके से पूरा सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें क्या है, आंसर यहाँ पे निकालना है। ये वाला जो है इसका आंसर हमको निकालना है, ये वाले वैल्यू का आंसर निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इसमें क्या है, यहाँ पे दिया है 8, 9, 6, 108, 7, 8, 5, 81, 12, 11, 7, और यहाँ पे क्या आएगा ये निकालना। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके मेरी वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इसको ज्यादा, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसके लिए। करना क्या है, पहले हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें क्या कॉमन है, किसकी, जैसे मल्टीप्लाई किया है, जोड़ा है, भाग किया है, क्या किया है, तो वो समझना है। तो पहले करते हैं क्या, इन पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला कैसे था, पहला लेते हैं 8 + 9 × 6। अब इसको जोड़ते हैं, 8, 9, 17 × 6, 6, 7, 42 और आपका क्या है, 6 और 1, 6, 4, 10। इसका जोड़ कितना आया, 102। 102 जोड़ आया है। अभी इसमें कितना कम है नीचे, 6, तो इसमें क्या कर देते हैं, +6। ये पूरा का पूरा आपका निकल गया है 8, 9, 6, 108। यहां देखिए पूरा कैलकुलेशन आ गया, 108 आ गया है यहां पे। इसी तरीके से आप इधर कर लेते हैं, इस वाले का कर लेते हैं, 7 × 8 + 5, 7, 8 कितना होता है, 15 × 5, 15 × 5 = 75। यहां पे कितना काम है, 6, यानी कि ये जो कॉमन है इसको वो लिख देता हूं मैं, कॉमन। इसमें भी हम 6 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 81, यानी कि 7, 8, 5, 81 इसका पूरा। इसमें यहां पे क्या है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब हमारा रह गया ये वाला, इसको कैसे करना है, इसको ले ले, देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ले लेता हूं मैं यहां पे। तीसरे में क्या है, 12 + 11 × 7, 12 × 11 कितना हो गया, 23, 23 × 7 कितना होता है, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14 और 2 = 16, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, 161। अब हमारा कॉमन इसमें दोनों में कॉमन क्या था, 6, तो 61 में 6 और हमको ऐड कर देना है, तो ये कितना हो गया, 167। इस जगह पे, इस एरिया में यहां पे आएगा 167। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही ज्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं लगाना है, आपको ध्यान लगाना है कि कॉमन क्या आएगा, इनको जोड़ने से घटाने से क्या होता है। पहले और दूसरे में जो भी चीजें आएंगी, ऐसे ही हमको तीसरा भी निकालना है। ये है आपका रीजनिंग का। दूसरा अभी एक सवाल मेरे सामने है, उसको भी मैं कर देता हूं। अभी आपको ये समझ आ गया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी है
यहां से मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। एक रिक्वेस्ट आई है, एक सवाल आया है मेरे पास कि उस सवाल का आंसर कैसे निकलेगा। एक क्वेश्चन से ही आया है, वो सवाल देख लेते हैं। सवाल मेरे पास आया है, ये यूपीएससी का ही एग्जाम पेपर है। इसका सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6। इसका अर्थ है TERMINATION। ये इसका अर्थ है। तो संख्या संख्या 6 7 1 5 8 6, इसका अर्थ क्या होगा? देखिए बहुत ही इजी सवाल है ये, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका आंसर इसी के क्वेश्चन में छुपा हुआ है, सिर्फ हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है इस सवाल में कि ये एक वैल्यू है, ये डिजिट है, नंबर भी है। तो इसमें करना क्या है? करना ये है कि हमको देखना है कि ये कितने है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ये नीचे वाला भी देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि 1 का मतलब टी है तो 6 का मतलब एन है। इसका मतलब ये है, तो इसका आंसर ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, हमको करना क्या है? करना ये है, इसमें मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। इसका जो आंसर है वो इस तरीके से है, ऊपर नीचे। तो यहां पे 6 है, 6 का आंसर यहां पे क्या है? देखो 6 यहां पे हमारा यहां आ रहा है, ये रहा 6 के नीचे क्या लिखा था मैंने? एन। और देखो यहां पे भी 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है? एन। अबे 7 के नीचे क्या लिखा हुआ है? ए ए। यहां पे क्या है? 1 के नीचे यहां पे क्या है? टी। तो हमको क्या लिखना है? टी। और देखो यहां पे भी टी है। फिर क्या आ रहा है? 5 के पास क्या है? आई। और यहां पे भी आई है, 5 के नीचे आ गया आई। 8 पे क्या आ रहा है? ओ। तो यहां क्या आएगा? ओ। 6 पे देखो एन आ रहा है यहां पे, एन आ रहा है यहां पे, और ऑलरेडी हम एन